आज जो बड़े कार्य चल रहे हैं, जैसे जगतपुर का है, उसके अलावा बनखंडी नाथ मंदिर वाली रोड है, उसके बाद ये प्रतापपुर चौधरी से जो रोड निकलती है नैनीताल रोड पर, इन सभी रोडों का आज निरीक्षण किया गया। और जहां बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम इस बार निर्माण कार्यों में धांधली बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। शायद यही वजह है कि सोमवार को व्यापारी नेता विशाल मल्होत्रा और निर्माण विभाग से जुड़े लोगों और ठेकेदारों के साथ कुछ स्पॉट पर गए और अपनी मौजूदगी में ही चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बारीकी से परखी। इस दौरान महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने निर्माणाधीन एक सड़क भी खुदवा कर उसकी परत की मोटाई चेक की। घपलेबाजी उजागर हो गई। बताते इस मामले में दो जेई और ठेकेदारों का जवाब तलब किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से हुई ये कार्रवाई और क्या बोले हैं मेयर डॉक्टर उमेश गौतम। दिल्ली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम इस बार निर्माण कार्यों के गुणवत्ता को लेकर बेहद संजीदा हैं और उन्होंने आज नगर निगम की टीम को लेकर चल रहे कई जगह निर्माण कार्य देखे। शक होने पर कई जगह सड़क खुदवा कर देखी तो गुणवत्ता खराब मिली, जिसकी वजह से उन्होंने जेई और एई से जवाब तलब किया है। साथ ही डॉक्टर उमेश गौतम ने चेतावनी दी है कि कहीं पर भी घटिया निर्माण पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज उन्होंने बनखंडीनाथ इलाके और जगतपुर, प्रतापपुर, नैनीताल में संपर्क मार्गों में हो रहे निर्माण कार्य देखे और उसकी मोटाई खुदवा कर देखी। इस मौके पर एई और जेई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, साथ ही ठेकेदार से जवाब तलब करते हुए चेतावनी दी है। मेयर के साथ कुछ अधिकारियों के अलावा व्यापारी नेता विशाल मल्होत्रा खास तौर से मौजूद रहे। आज जो बड़े कार्य चल रहे हैं, जैसे जगतपुर का है, उसके अलावा बनखंडी नाथ मंदिर वाली रोड है, उसके बाद ये प्रतापपुर चौधरी से जो रोड निकलती है नैनीताल रोड पर, इन सभी रोडों का आज निरीक्षण किया गया और जहां काम चल रहा है उनको काम को खुदवा के भी देखा गया है। तो कई जगह, अगर चार जगह खुदवाई गई हैं तो तीन जगह मटेरियल जो है कम मिला है। जैसे जहाँ 5 इंच मिलना चाहिए तो वहाँ 4 इंच है और जहाँ 2 इंच मिलना चाहिए वहाँ 1 इंच है, जिसमें 4-5 दिन से काम चल रहा है लेकिन संबंधित जेई और एई वो आज हमारे निरीक्षण करने पर वहाँ पहुँचे हैं। उससे पहले वो लोग वहाँ गए ही नहीं हैं, तो आज उनको एक वार्निंग लेटर भी इशू हो रहा है और ठेकेदार को भी लेटर इशू होगा कि अगर इस तरह का काम होगा तो उनका किसी भी तरह का जो पेमेंट है वो रोक दिया जाएगा और ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। या तो इसको सुधार लें, क्योंकि किसी भी तकनीकी या किसी भी दृष्टि में मटेरियल से समझौता नहीं होगा, हर हालत में गुणवत्ता पूर्वक काम करना पड़ेगा। ये उनको आज लिखित में भी वार्निंग इशू कर रहे हैं, जिससे कि भविष्य में काम अच्छे से अच्छा कर सकें।